मना रहे रोज दिवाली, फिर तोड़े मकानों के ताले, उड़ाया लाखों का माल, दीपावली से अब तक चुराया 1 करोड़ से ज्यादा का माल। शहर में जारी आत्महत्याओं का सिलसिला, फिर 2 लोगों ने लगाया मौत को गले, शराबी युवक ने पत्नी से विवाद के बाद उठाया कदम, तो बुजुर्ग ने कर्ज से परेशान हो किया जीवन का अंत। IIM में विद्यार्थियों द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन किए जाने का मामला गर्माते जा रहा है। विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को नशीले पदार्थ सहित अन्य मामलों को लेकर IIM में जमकर हंगामा मचाने के साथ ही प्रदर्शन किया। संस्थान के डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे परिषद के कार्यकर्ता सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर जबरन संस्थान में घुस गए। कार्यकर्ताओं ने नगवेल परिसर में हंगामा मचाया, बल्कि नारेबाजी करते हुए भीतर भी घुस गए। कार्यकर्ताओं ने संस्थान के सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ पुलिस से भी जमकर हुज्जत की। झूमा झटकी की नौबत भी खड़ी हुई। IIM के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संस्थान के भीतर घुसकर हंगामा और प्रदर्शन हुआ। विजयनगर थाने में आयोजित भूमि श्रवण अभियान शिविर के तीसरे चरण दौरान 150 से ज्यादा शिकायतें आई, लेकिन केवल सेना के ब्रिगेडियर के मकान सहित बगीचे की जमीन पर कब्जे का तत्काल निराकरण किया गया। आने वाले 15 दिनों के दौरान जहां बचे हुए मामले निपटाने की बात कही जा रही है, वहीं कुछ मामले अधिकारियों ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माने हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र में शनिवार शाम स्कूल बस ने स्कूटी सवार 2 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क हादसे में 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक की बहन की 4 दिन बाद शादी है और शनिवार शाम दोनों बच्चे मंडप और माता पूजन के लिए कुछ सामान लेने गए। जमीन के खेल में अब सरकारी कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि एक बार फिर एक पटवारी पर सरकारी जमीन को बेचने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन को बेचने के मामले में पटवारी से लेकर नजूल तहसीलदार तक सभी शामिल हैं। इस मामले में विरोधी पक्ष ने शिकायतकर्ता पर भी सवाल उठाया है। वहीं नजूल विभाग ने अब पटवारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गुजरात से क्राइम ब्रांच की टीम ने सरवटे बस स्टैंड पर मनोज सोनकर की सनसनीखेज हत्या के फरार आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राकेश ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सनसनीखेज हत्या का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। घटना के बाद से ही आरोपी राकेश गुजरात में अपनी पत्नी के साथ फरारी काट रहा था। बाबा रामदेव सुबह इंदौर पहुंचे। रामदेव के समर्थकों ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रामदेव एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए। स्कूली बालिकाओं के लिए आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। इस मौके पर सैकड़ों बच्चियों ने आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रदर्शन की सामूहिक प्रस्तुति दी। वहीं इस मौके पर प्रशिक्षण ग्रेड मास्टर शिफूजी कमांडो ट्रेनर ने भी अपनी टीम के साथ साथ हैरत अंगेज प्रदर्शन कर सभी को रोमांचित कर दिया। इधर प्रशिक्षण पाने वाली बालिकाओं ने प्रशिक्षण को अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोगी बताया। 4 राज्यों की स्थापत्य कला से शहरवासियों को रूबरू कराने के मकसद से केंद्रीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दरअसल विश्व धरोहर दिवस के मौके पर लगी इस प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे राजवंशों की 92 छतरियों को चित्रों के माध्यम से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दर्शाया गया है। ऐसे में यह चित्र हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर इतिहास की जानकारी भी दे रहे हैं। शुक्रवार रात शहर के राजबाड़ा क्षेत्र से मुस्लिम समाज ने मुहर्रम के अखाड़ों का चल समारोह निकाला। चल समारोह में शहर भर के अखाड़े शामिल हुए। अखाड़ों के साथ ही समाज के द्वारा अलामती मार्च भी इस समय निकाला गया, जिनका जगह जगह स्वागत भी हुआ। शहर में पिछले 3 महीने से जीरो टॉलरेंस जोन की मुहिम जारी है, जिससे अब तक शहर का आम से लेकर खास आदमी तक परिचित हो चुका है और वह चालान के डर से नियमों का पालन भी कर रहा है। लेकिन इंदौर पुलिस कुछ पुलिसकर्मी आज भी जीरो टॉलरेंस जोन से अनजान है या फिर पकड़ाने पर अनजान होने का नाटक करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ शनिवार को जेल रोड पर। परिवहन विभाग द्वारा टाटा मैजिक पर लगातार कार्रवाई करने के बावजूद मैजिक वाले नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते RTO ने शनिवार को 11 वाहनों को जब्त करने के साथ चालानी कार्रवाई की। किसी को जज करने से ज्यादा बेहतर मुझे कोरियोग्राफी लगती है, क्योंकि जज करते वक्त कमियां निकाली जाती है और कोरियोग्राफी करते समय आप औरों को कुछ सीख देते हैं। ये कहना है ख्यात कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस का।
औरों से अलग हटकर और क्रिएटिव काम करने में ज्यादा रुचि रखने वाले चरण से बातचीत के दौरान खतरों के खिलाड़ी और डीआईडी के यादगार लम्हों से जुड़े अनुभव भी साझा किए।